सोमवार यानी कल से एक हफ्ते के लिए दिल्ली के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया है। हालांकि छात्रों की ऑनलाइन क्लास चलती रहेगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार के सभी दफ्तर बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं और सरकारी कर्मचारियों को घर से ही काम करने को कहा गया है। साथ ही निजी दफ्तरों के लिए भी एडवाइजरी जारी करने की बात कही गई है। दिल्ली में 14 नवंबर से 17 नवंबर तक सभी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने पर बीजेपी नेता गौतम गंभीर ने दिल्ली सरकार को घेरा। पिछले 6 साल से अपना बताइए तो सही, आपने क्या काम किया पोल्यूशन के ऊपर? कितना आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे काम किया? सिर्फ ये रेड लाइट पे छोटे छोटे बच्चों को तख्ती पकड़ा के अपनी फोटो लगा के ऑन ऑफ करवाने से पोल्यूशन कम होगा? जिन बच्चों के हाथ में लैपटॉप होना चाहिए था, जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस पढ़नी चाहिए थी, जिन बच्चों को भी अंदर घर में बैठना चाहिए था, उनको आपने 8-8 घंटे रोड पे खड़ा किया हुआ। ना आपने कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे इन्वेस्ट किया, ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया। सिर्फ पोल्यूशन की बात छोड़िए, यमुना की बात करिए ना। यमुना पे जो 2000 करोड़ आपको दिया गया था कहाँ चला गया वो? आपके पास अल्टीमेटली सिर्फ एक ही सोल्यूशन निकला कि उस पर